हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम फूड गैलरी। आज हम देखेंगे शिमला मिर्च की एकदम आसान और अनोखी रेसिपी। इसके लिए मैंने लंबे साइज वाली 3 शिमला मिर्च ली है। इनकी डंडी कट करके इसके बीज निकाल कर लेने हैं और इस तरह से मीडियम साइज के राउंड टुकड़ों में इन्हें कट करके लेना है। ये टुकड़े कहीं से भी कटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरे राउंड शेप में होने चाहिए। अब एकदम आसान टेक्निक है, मिक्सी के जार में लेना है 1 चम्मच जीरा, एकदम छोटा सा बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, आधा बड़े टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर, 2 चम्मच बेसन का आटा, भून कर नहीं लिया है, ऐसे ही लिया है मैंने। उसी के साथ साथ इसमें जाएगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फिर कलर के लिए हल्दी, 1 हरी मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ढेर सारा हरा धनिया डाल के सिर्फ 4 से 5 चम्मच टेबलस्पून पानी डालकर इसकी एकदम बारीक पेस्ट बनाकर लेनी है। पानी ज्यादा नहीं डालना चाहिए, ये मिक्सचर हमारा हमारे पकोड़े के आटे की तरह होना चाहिए। अब बड़ा सा पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये शिमला मिर्च के टुकड़े रखेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए और 1 मिनट के बाद हमने ये जो बनाई हुई पेस्ट है, इस तरह से आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, इसे हमें इन टुकड़ों में भरना है। इस तरह से एकदम जबरदस्त वाली रेसिपी है, इससे गाढ़ा भी हो तो चलेगा। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। इस तरह से सारे टुकड़ों में मैंने हमारी ये फिलिंग भर के लेनी है। एकदम अनोखी टेक्निक है और टेस्ट में जबरदस्त लगती है। ढक्कन रखकर 6 से 7 मिनट तक पकाना है, गैस की फ्लेम को लो रखना है ढक्कन रखने के बाद, और नीचे से जब ये क्रिस्पी हो जाए तो इस तरह से पलट देना है। दोनों साइड से 5 से 6 मिनट के लिए फिर से पकाना है। बढ़िया से जब ये क्रिस्पी हो जाए तो इन्हें निकाल लेना है। बेसन का आटा है तो इसे पकने के लिए टाइम लगता है, इसलिए मिर्च के टुकड़े ज्यादा छोटे या बड़े नहीं होने चाहिए, मीडियम साइज के होने चाहिए। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। एकदम जबरदस्त वाली क्रिस्पी रेसिपी बन के रेडी होती है, टेस्ट भी लगता है और बनाने में भी आसान है। आप देख सकते हो दोनों साइड से क्रिस्पी बन चुकी है। ऐसे ही खाइए, नहीं तो एकदम थोड़ा सा इसके ऊपर टोमेटो सॉस लगाइए तो इसका टेस्ट एक स्टेज बहुत एनहांस हो जाएगा। और गरम गरम सर्व कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें होम फूड गैलरी।